एक्स अनुपात एक रियल नंबर सारे जो नंबर है वो रियल नंबर कहलाते हैं, वास्तविक नंबर वर्गमूल वाले दशमलव वाले सारे सभी तरीके के जितने भी नंबर है वो रियल नंबर कहलाते हैं। फिर हम उसमें से अलग अलग करते हैं, सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बाकी सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो एक्स भी एक रियल नंबर है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उनसे होंगे आगे दे रहा हो कि वह एक्स जो है माइनस चार से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छोटा और फिर ऐसे इसको छोटा तथा बराबर लाइन में छोटा तथा बराबर होना चाहिए। देखिए ये समुच्चय का कौन सा रूप है? दो रूप होते हैं समुच्चय के, दूसरा रूप दूसरा मतलब साधिबद्ध रूप और दूसरा रूप समुच्चय निर्माण रूप। एक दूसरा रूप है कि समुच्चय निर्माण रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। दो बाय एक्स अगर आ रहे हैं, एक इस तरह से है कि दो बिंदु अगर आ रहे हैं तो ये समुच्चय निर्माण रूप होता है। इसमें आपको दो एक्स मिलेंगे, कभी इसको बोलते हैं एक इस तरह से है कि एक इसका एलिमेंट है रियल नंबर का, लेकिन वो ये एक्स ये वाले नंबर आपको इस रूप में लिखना है सारीबद्ध रूप। और रूप में आपको लिखना है क्या हो जाएगा फिर इसका? तो एक्स क्या है? माइनस चार से बड़ा। माइनस चार से बड़ा कौन सा होता है? माइनस पाँच। चार जीरो होता है, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस तीन। तो ये जो संख्या दर की है छोटी होती है, थोड़ी माइनस माइनस मैंने बोला था कि उल्टा रहता है, माइनस में उल्टा रहता है, बड़ी रहती है, बड़ी संख्या तो होती है। तो आपको माइनस चार से बड़ी संख्या लिखनी है, एक से की तरफ बढ़ा है, माइनस चार से बड़ी, माइनस तीन, माइनस तीन आएगा, माइनस दो आएगा, माइनस तीन आएगा, और जीरो भी उससे बड़ा है। हाँ, माइनस इसके आगे जितने भी संख्या है वो सब बड़ी है माइनस चार से। दीदी आप पूरी बेटा लिख दो, क्या अंतर? अंतराल चलो उत्तर दे देते हैं, देख लो अंतराल उत्तर दे दो काटा लिखने में आपको छेदक छेद को छेद के बराबर है, मतलब छेद ही लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सारी संख्या है माइनस चार से बड़ी है तो रो छः और छेद दो अब इसका अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं? बहुत ही है, छः अगर आपको लेना है क्या तो उसके आगे जो है स्क्वेयर ब्रैकेट लगेगा, क्या बोलते हैं इसको स्क्वेयर ब्रैकेट लगेगा, माइनस चार लेना है आपको, किसको लेना है जिसके आगे लाइन लगी है, तो आपको छः लेना है जहाँ पे लाइन लगी है नहीं तो आपको माइनस चार नहीं लेना है, तो आपको माइनस चार से छः तक की संख्या लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपको छः लेना है तो उसके आगे स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब हुआ कि आपको यह संख्या लेनी है, क्योंकि माइनस चार आपको नहीं लेनी है, तो नहीं लेने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट का मतलब माइनस चार आपको नहीं लेना है, तो स्क्वेयर ब्रैकेट का मतलब छः लेना है। बस इतना ही आपका आंसर है। दूसरा जैसे है वैसे एक एलिमेंट है आर का और एक कैसा है माइनस बारह से बड़ा और छोटा है माइनस दस के नीचे भी लाइन लगी है तो कैसा आएगा सर? राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट माइनस बारह आपको नहीं लेना है, माइनस दस भी आपको नहीं लेना है, लेकिन राउंड ब्रैकेट माइनस बारह माइनस दस को छोड़ के बीच की संख्या आपको लिखनी है।